सो हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप क्या अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो से गाइस आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है। फटाफट से गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको काफी अच्छे अपडेट मिलने वाले हैं। और फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप अपनी शॉप पे बैठ के सीखना चाहते हैं तो इसके लिए गाइस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर दें। देखिए गाइस, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो से जो जानकारी आपको मिलने वाली है, इससे गाइस आपका टाइम बचने वाला है। देखिए गाइस, मोबाइल रिपेयरिंग एक टेंशन वाला काम है, सुबह से लेकर शाम तक टेंशन, शाम से लेकर सुबह तक टेंशन, मतलब टेंशन ही टेंशन। और जब भी हम गाइज मतलब फ्री होके बैठते हैं तब भी दिमाग में यही चलता रहता है कि एक जो फ़ोन रखा हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कस्टमर आने वाला है, उसको रिपेयर करके देना है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमने पूरे दिन भर एक फ़ोन पे काम किया क्योंकि हमें एक फ़ोन को रिपेयर करना है। कस्टमर ने बोल दिया कि चाहे इस पर कितना भी खर्चा आए, हमें ये जो फ़ोन है इसको रिपेयर करवाना है, और हम उस फ़ोन को रिपेयर करने में लग गए। पूरा दिन भर हमने उस पर काम किया, फ़ोन रिपेयर नहीं हुआ तो हमने उसको रख दिया कि भाई कल इसको रिपेयर करेंगे। और जब हमने उसको कल रिपेयर करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि इसका जो फ़ोन का सीपीयू है वो ख़राब हो गया है, या फिर इसका ईएमएमसी ख़राब हो गया है, या फिर ये जो बोर्ड है ये बेंड हो गया है, या फिर ये जो फ़ोन है इसकी जो पीसीबी है, इसकी इंटरनली जो लेयर है वो ख़राब हो गई, जिसकी वजह से ये फ़ोन रिपेयर ही नहीं हो सकता। और यहाँ पे आके ना सभी जो टेक्नीशियन भाई होते हैं उनका जो दिमाग होता है ना वो खराब हो जाता है कि भाई मतलब कल मेरा पूरा दिन खराब हो गया, आज का दिन खराब हो गया, और अभी ये जो फ़ोन है ये रिपेयर भी नहीं होगा, तो दो दिन मैंने खराब कर दिए और उसके बाद जेब में एक रुपया भी नहीं आया, एक पैसा भी नहीं आया। तो यहाँ पे आके ना सभी जो टेक्नीशियन भाई हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है, और तब जाके ऐसा लगने लगता है कि ये जो काम है ना इसको छोड़ के कोई दूसरा काम करना चाहिए। ठीक है, इसमें हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पैसे बन रहे नहीं रहे। और कई बार ऐसा होता है कि हम फ़ोन को जब भी रिपेयर करते हैं तो कुछ ही समय के अंदर हम फ़ोन को रिपेयर कर लेते हैं और उसमें हमारा टाइम भी बच जाता है और अच्छा खासा पैसा भी हमारी जेब में आ जाता है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, ज़्यादा इसमें टेंशन वाला ही काम रहता है। तो गाइज, हमें फ़ोन रिपेयरिंग जब भी करना होता है तो इसमें गाइज हमें थोड़ा टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उन पे गाइज हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो काफ़ी कम खराब होगा, कम टाइम के अंदर हम एक जल्द ही फ़ोन को रिपेयर कर लेंगे और अच्छा खासा जो पैसा है वो हमारी जेब में आ जाएगा। क्योंकि गाइज एक ही फ़ोन पे अपना जो टाइम है उसको अगर हम बर्बाद करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आने वाले जो स्मार्टफोन हैं जो पेंडिंग में चल रहे हैं उनके लिए गाइज हम कैसे टाइम निकालेंगे, फिर गाइज दोनों तरफ से हमें नुकसान ही होगा। इसलिए गाइज थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो कस्टमर हैं हमारे पास फ़ोन लेके आते हैं, बोलते हैं कि ये ड्रॉप डाउन सेट है, मतलब गिर गया उसके बाद फ़ोन बंद हो गया, और उस पर हम काम करना स्टार्ट कर देते। कस्टमर बोलता है कि अच्छा खासा आपको पैसा मिल जाएगा, फ़ोन को रिपेयर करके देना। पूरे दिन भर हम उस पर लगे रहते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि फ़ोन रिपेयर होने वाला नहीं है, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो गाइस थोड़ा दिमाग खराब होता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब भी ड्रॉप डाउन आपके पास फोन आता है, गिरा हुआ फोन आता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको किन चीज़ों को चेक करना चाहिए, इस पर अपन थोड़ी सी बात कर ले। देखिए गाइस, जब भी आपके पास कोई भी ड्रॉप डाउन कंडीशन के अंदर फोन आता है तो कई बार आपने देखा होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका यहाँ पे एक पीएमआईसी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये आपकी एक पीएमआईसी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है सीपीयू, ठीक है, ये हमारा हो गया सीपीयू, ठीक है, ये हमारा सीपीयू, यहाँ पे पीएमआईसी और यहाँ पे सीपीयू लगा। अब पीएमआईसी से काफी सारी जो सप्लाई है वो यहाँ से निकल के हमारा जो सीपीयू है इसके अंदर इस तरीके से जो क्वाइल लगी होती हैं इनके थ्रू इस पर कनेक्ट हो जाती है। काफ़ी सारी सप्लाइयाँ होती हैं, 6 से 7 आपको जो क्वाइल हैं वो यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, और गाइस जो आईसी होती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जो सप्लाइयाँ वो देखने को मिल सकती है। मैं आप एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए गाइस, ड्रॉप डाउन कंडीशन में आपने कई बार ऐसा देखा होगा आपके पास कोई फ़ोन आया होगा जो गिरने के बाद बंद हो गया है, तो नॉर्मली जब आप यहाँ पे चेक करते हैं तो कई बार यहाँ पे जो क्वाइल है वो आपको टूटी हुई मिलती हैं, तो उनको अगर आप रिप्लेस कर दें तो फ़ोन ऑन कंडीशन में आ जाता है, फ़ोन ओके कंडीशन में चलना लगता है। कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन गिरने के बाद मतलब जो चार्जिंग आईसी वो निकल जाती है, मतलब थोड़ा उसकी जो बॉल होती है वो लूज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आईसी होती है वो साइड से क्रैक हो जाते हैं कॉर्नर से, या फिर मतलब फ़ोन के अंदर लगे कोई जो कंपोनेंट है वो निकल जाता है, बैटरी निकल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल काम हमें करने होते हैं जो कि हम करने के बाद फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। लेकिन कई बार गाइज आपने ऐसा देखा होगा कि ड्रॉप डाउन कंडीशन में आपके पास फ़ोन आया हुआ है, गिरा हुआ फ़ोन है और बंद कंडीशन में आपके पास आया हुआ है, और आपने उसके अंदर चेक किया कि फ़ोन के अंदर मतलब ऐसे तो शॉर्टिंग आपको देखने को नहीं मिल रही,
कि आप डीसी मशीन लगा रहे हैं तो उस पर आपको शॉर्टिंग देखने को मिले। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्टिंग नहीं देखने को मिल रही लेकिन फिर भी शॉर्टिंग होती है। अब देखिए देखिए गाइस, आपने यहाँ पे चेक किया कि पीएमआईसी है, इसके आउटपुट पे जितनी भी कॉइलें लगी हुई हैं इन पे आपने मतलब स्टेप बाय स्टेप चेक किया, यहाँ पे चेक किया तो वहाँ पर आपको बीप देखने को मिल रही है। मतलब कि बीप के साथ में जो रीडिंग है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका फोन का जो सीपीयू लगा है उसकी साइड में कुछ शॉर्टिंग बनी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पीएम की साइड में जो सप्लाई आ रही उनमें शॉर्टिंग हो सकती है, पीएम खराब हो सकती है, सीपीयू खराब हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में गाइज आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब आप समझ सकते हैं, आपको क्या करना, एक कॉइल को निकाल लें, एक कॉइल को निकाल के आप चेक करेंगे कि शॉर्टिंग सीपीयू साइड है या फिर पीएम की साइड। अगर वहां पर शॉर्टिंग आपकी पीएम की साइड में मिलती है तो गाइज आप कॉइल को वापस फिक्स करेंगे, दूसरी कॉइल को उठाएं, दूसरी कॉइल को उठाने के बाद सेम कंडीशन आप चेक करेंगे कि पीएम की साइड है या सीपीयू की साइड में। अगर यहाँ पे पीएम की साइड में आपको शॉर्टिंग मिल रही है तो नॉर्मल सी बात है कि आप पीएम को उठाएंगे और यहाँ पे चेंज कर दें। लेकिन ड्रॉप डाउन जो फोन आते हैं ना उनके अंदर होता क्या है कि आपका ये जो सीपीयू लगा होता है ये क्रैक हो जाता है, सीपीयू क्रैक हो जाता है और उसके बाद जितनी भी क्वाइलें यहाँ पे आपको नजर आएंगी उनके ऊपर आपको बीप देखने को मिलेगी। और अगर आपका फोन के अंदर वोल्टेज बन रहा है बैटरी और चार्जर लगाने के बाद क्वाइल पे अगर वोल्टेज बन रहा है तो वो वेरिएशन करेगा, अप डाउन होता रहेगा और जो वोल्टेज है वो स्टेबल कंडीशन में नहीं आएगा। तो ऐसे में काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई उनको लगता है कि पीएम खराब है उसको चेंज कर देते हैं, कई बार डीसी टू डीसी आईसी को चेंज करते हैं, या फिर फोन के अंदर लगी ये जो क्वाइल इनको चेक करते हैं, कई बार ईएमएमसी निकाल लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना। करना क्या है, आप कॉइल उठाएंगे चेक करेंगे शॉर्टिंग की, अगर सीपीयू की साइड में शॉर्टिंग आपको देखने को मिल रही है, एक कॉइल उठाया सीपीयू की साइड में शॉर्टिंग है और दूसरी कॉइल को उठा के देखा सीपीयू की साइड में शॉर्टिंग है, तो यहाँ पे गाइस आपको विदाउट कोई बोर्ड के ऊपर काम किया आपको चेक करना है सीपीयू। आप जब सीपीयू को चेक करेंगे ना तो मैक्सिमम चांस में ये जो सीपीयू है आपको बीच से इस तरीके से क्रैक देखने को मिलेगा, एक लाइन आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिल जाएगी। 110% गाइज ये बात मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका जो सीपीयू लगा हुआ है वो आपको डैमेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टेक्नीशियन क्या करते हैं, कई बार सीपीयू को निकाल के रिबोल भी कर देते हैं। अब सीपीयू अलग तो होगा नहीं, उसमें हल्का सा क्रैक आ जाएगा, बीच से वो क्रैक आपको दिखाई देगा। अगर ध्यान से माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रैक बना हुआ दिखाई देगा। और ऐसे फोन पे अपना टाइम बर्बाद करना गाइज एक गलत बात है। यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, सिंपल सा आप फोन को खोलेंगे, खोलने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वाइल है उन पे शॉर्टिंग चेक कर लेना। अगर शॉर्टिंग मिली तो गाइज आपको डायरेक्ट सीपीयू को अच्छे से ध्यान से एकदम बारीकी से आपको चेक करना कि कहीं सीपीयू तो क्रैक नहीं हो गया। गाइज पता नहीं कितने सारे फोन मैंने देखे हैं और आज ही मेरे पास एक ऐसी कंडीशन में फोन आया, और पहले भी मैंने एक वीडियो बना के दिया हुआ था जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। आज मैंने जो फोन देखा उसमें गाइज जो सीपीयू था वो क्रैक था, बाकी फोन एकदम फ्रेश कंडीशन में, ऐसे देखने से नॉर्मल पता है भी नहीं चल रहा था कि इसका सीपीयू खराब है। मैंने सोचा कि इसका जो सीपीयू उसको निकाल के रिवोल्व कर देंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने उसको अच्छे से बारीकी से सब चेक किया तो पता चला कि जो सीपीयू है वो बीच से क्रैक हो गया है, उसमें एक लाइन बनी हुई थी बीच से क्रैक हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगी जितनी भी क्वाइल्स थी उनके ऊपर शॉर्टिंग देखने को मिल रही थी, और यहाँ पे जो वोल्टेज बना था वो वेरिएशन कर रहा था, अप डाउन कर रहा था, और कम वोल्टेज वहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे गाइज मैंने समझदारी से काम में लिया और यहाँ पे मैंने अपना जो टाइम है उसको बचाते हुए नॉर्मली मैंने सीपीयू को चेक किया और उसके बाद फोन को वापस पैक किया और कस्टमर को रिटर्न दे दिया कि भाई ये फोन रिपेयर नहीं होगा क्योंकि उसका सीपीयू है वो यहाँ पे डैमेज हो चुका है, क्रैक हो चुका है। तो इसलिए गाइज मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखिए और अपना टाइम है उसको बचाना सीखिए, टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, क्योंकि फोन रिपेयरिंग एक ऐसी लाइन है जिसमें आपकी टाइम की बर्बादी होगी और आपके पास पैसे कम आने वाले हैं। इसलिए गाइज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कुछ बताया जा सके। और ऐसे वीडियो अगर आपको और भी चाहिए, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स वाले अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। आने वाले टाइम के अंदर गाइज मैं काफी सारे वीडियो आपको बना के दूंगा जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके पास पैसा भी आएगा। तो आज की इस वीडियो में ये छोटी सी जानकारी थी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि जब भी हमको वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे।